हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। वी आर स्टडिंग कार्बन कंपाउंड्स। सो हम लोग ने अभी तक जो देखा, नोमेनक्लेचर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चीज़ें हैं वो हमारे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, मेटलर्जी चैप्टर और ये कार्बन कंपाउंड्स, तीनों मिलाकर के कुछ केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब के बारे में तो सुना ही है। कंबशन के बारे में आज जान लेंगे, अभी एडिशन रिएक्शंस के बारे में जान लेंगे, चार टाइप के रिएक्शंस, डेट्स इट इन रिएक्शंस के बारे में। चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या सीख रहे हैं? कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? तो कंबशन, लेट अस फर्स्ट लुक एट कंबशन एज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर देख लेंगे, वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, पिछले साल आप लोगों ने देखा था, नाइन्थ स्टैंडर्ड में क्या बता था, कार्बन इज अ फॉर्म ऑफ वेरियस एलोट्रोप्स ऑन इग्निशन, मतलब जलाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अंडरगोस कंबशन। कंबशन में जाएगा मतलब क्या करेगा, सिंपल सी बात है, हीट एमिट करेगा और साथ में लाइट एमिट करेगा। कब करेगा? जब कभी कार्बन के किसी कंपाउंड को आप लोग इग्नाइट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, क्या एमिट करेगा, हीट एज वेल एज लाइट को एमिट कर देगा। सेकेंडली, यहां पर ध्यान दो, एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा साथ में? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, हीट फॉर्म करेगा, लाइट फॉर्म कर देगा। क्लियर? हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज द मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अंडरगोज कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंबशन के प्रोसेस में चले जाते हैं, और व्हाट दे एमिट? दे एमिट हीट एंड लाइट एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पानी भी बन जाता है कभी कभी एज द कॉमन प्रोडक्ट। सम ऑफ द कंबशन्स आर गिवन बिलो, देख लो यहां पर। चलो, नाम तो सुना ही है इन सबके बारे में, कार्बन को ही ले लो यहाँ पे। सबसे पहले कार्बन प्लस ऑक्सीजन इग्नाइट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट बन गया। सेकेंडली सी दिस, मीथेन CH4, याद आया कुछ? CH4 स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मीथेन है, मीथेन प्लस, ये देखो बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर, हीट, लाइट बन गई। थर्ड देख लो, ये इथेनॉल है, क्या है वो? इथेनॉल, याद है हम लोग ने थोड़ी देर पहले नोमेनक्लेचर किया था, वहां पर दिया हुआ था। इथेनॉल जो है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इग्नाइट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट, दैट्स इट। ये है आपका कंबशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप लोगों ने थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में किया है, मेटलर्जी में भी हम लोग ने ऑक्सीडेशन के कुछ टाइप्स देख लिए थे, फिर से कार्बन कंपाउंड्स में भी ऑक्सीडेशन आ गया है। पर ये क्या है, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी? कार्बन कंपाउंड्स की। देख लो, यू हैव सीन दैट कार्बन कंपाउंड स्टार्ट बर्निंग बाय कंबाइनिंग इजीली विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिया, जलना स्टार्ट। इन द एयर व्हेन इग्नाइटेड इन एयर, इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, ऑल द केमिकल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन कंपाउंड ब्रेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्मड एज द प्रोडक्ट। वो ब्रेक हो जाएंगे, उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म हो जाएगा एज अ प्रोडक्ट। इसी को अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स द कार्बन कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग कंबशन। पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। केमिकल कंपाउंड कैन ऑल्सो बी यूज एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, उसको एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग यूज कर सकते हैं। सब्सटेंसेज डेट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट। इसके बारे में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले से बता रखा है। चलो यहां पर कुछ आगे देख लेते, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। An oxidizing agent affects on certain functional group in present carbon compounds. आप लोगों को potassium dichromate और potassium permanganate वाला नाम याद रखना है, इन केस अगर आपके MCQ में आ गया oxidation के related में question carbon compound chapter से, और अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई भी एक option दिखता है तो आपका answer वही रहेगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। Make a note of इट। क्लियर? यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन को एंड करते, देखते नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द एडिशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, हम लोग विद एन एक्सपेरिमेंट इसको करेंगे। देखो ये आपके स्कूल्स में अगर एक्सपेरिमेंट करा देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो बस ध्यान देना कि एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। क्लियर?
यू हैव टू सी द एपरेटस, टेस्ट ट्यूब है, ड्रॉपर है, एक्सेट्रा। केमिकल क्या यूज करेंगे, आयोडीन यूज करने वाले, टिंचर आयोडीन, ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाइड वनस्पति घी यूज करेंगे, वेरियस वेजिटेबल ऑयल, इनमें से कुछ भी चल सकता है आप लोगों के लिए, पीनट, सैफ्लावर, सनफ्लावर, ऑलिव एक्सेट्रा, कोई भी ले लो। ओके, करना क्या है, टेक 4 ml ऑयल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 4 drops ऑफ टिंचर आयोडाइड, आयोडीन और ब्रोमीन वाटर, या तो वो ले लो या तो ये ले लो, दोनों में से कुछ भी एक डाल दो। शेक द टेस्ट ट्यूब, फाइंड आउट वेदर द ओरिजिनल कलर ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन डिसअपियर्स और नॉट। जो ओरिजिनल कलर है ब्रोमीन का या आयोडीन का, क्या वो डिसअपियर हो गया। रिपीट द सेम प्रोसीजर यूजिंग अदर ऑयल्स एंड वनस्पति घी। क्लियर, या तो कोई और ऑयल को यूज कर लो इनमें से, या तो वनस्पति घी को यूज कर लो। तो इस एक्टिविटी में होता क्या है, देखो आंसर खुद दिया हुआ है। इन द अबव एक्टिविटी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिसअपियरिंग डिमिनिशिंग कलर ऑफ ब्रोमीन आयोडीन इंडिकेट दैट ब्रोमीन और आयोडीन इज यूज्ड अप। दिस मीन्स दैट ब्रोमीन आयोडीन हैज अंडरगोन अ रिएक्शन, वो लोग एक रिएक्शन में चले गए हैं विद द कंसर्न सब्सटेंस। दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या मैंने उसको ऐड कर दिया और वो वहां से चला गया। क्लियर, अब देखो यहाँ पे, व्हेन अ कार्बन कंपाउंड कंबाइन्स विद अनदर कंपाउंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, मतलब कार्बन का ही कंपाउंड अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ अगर आ जाए, ओके, कुछ फॉर्म करना, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट कंटेन ऑल द एटम इन बोथ द रिएक्टेंट, क्या ऑल हो जाए, मतलब यहां पे दो था वहां पे दो था, टोटल में 4 आना चाहिए, अगर ऐसा कभी होता है इसका मतलब एडिशन रिएक्शन हो गया है। अच्छे से ध्यान दो यहां से, पहली बात तो आप लोगों को ये पार्ट जो ऊपर जो लिखा गया है वो, और यहां पे जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सी, व्हेन अ कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद अनदर कंपाउंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स ऑल द एटम्स इन बोथ द रिएक्टेंट इट इज कॉल्ड एज एडिशनल रिएक्शन। देखो ये पार्ट को याद करना है आप लोगों को, डेफिनेशन के लिए इसको याद कर लो। क्लियर, इसको डेफिनेशन के लिए याद कर लो। अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अब जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो कंटेन क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप लेके आ जाता है। व्हाट दे कंटेन, दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप। देखो यहां पे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड एज देयर फंक्शनल ग्रुप, दे अंडरगोज एडिशनल रिएक्शन टू फॉर्म अ सेचुरेटेड कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी जो बनता है वो कैसे सेचुरेटेड बन जाता है, मतलब है अनसेचुरेटेड, बना क्या, सेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। द एडिशनल रिएक्शन ऑफ एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड विद आयोडीन और ब्रोमीन टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भी ये काम हो जाता है। सेकेंडली, मोर ओवर द कलर चेंज कैन बी फेल्ट बाय द आई, अगर किसी तरह का कलर चेंज हो जाता है तो वो हम लोग हमारी आंखों से देख सकते हैं। ओके, ये भी एक चीज है। सेकेंडली यहां पर दिया, देयर फॉर दिस रिएक्शन, जो यहां पे लिखा हुआ है अच्छे से ध्यान देना यहां पे, therefore this reaction is used as a test for detection of a multiple bond in a carbon compound। किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा या और ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो वो ढूंढने के लिए एडिशन रिएक्शन ही की जाती है। और अगर कभी कलर चेंज होता है तो हम लोग हमारी आंखों से टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर चेंज होता हुआ देख सकते। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों को अगर स्कूल कराएगी तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड होगा, आपको समझ में अभी आ जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो भी मैं आप लोगों को जो 2 points मैच करके दिया है, लिंक करा के दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको आपको याद कर लेना है, वही आपका एडिशन रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाउ। एज द सिंगल बॉन्ड सी एच एंड सी सी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव and therefore they remain inert in presence of most reagent. Clear? However, saturated hydrocarbon in presence of sunlight ke presence mein react rapidly with chlorine. Chlorine ke saath halogen hai, uske saath wo fatak se react kar jata hai. Clear? In this reaction, chlorine atoms replace one by one all the hydrogen atoms in the saturated hydrocarbons, the reaction in which the place of one type of atom or group in a reactant is taken by another atom or group of atom, that is known as what, substitution reaction. What we call it as, substitution reaction. From here till here, definition 2 marks. Refer your textbook, mark this point. Clear now. Chlorination of methane is what, CH4, is a substitution reaction which gives
4 which gives 4. So here is the substitution reaction. Chlorination of methane is the substitution reaction which gives 4 product. You can see given below there are some 4 products here. Clear? Secondly, chlorination is done represented by this part. Clear? In the presence of, obviously, sunlight. In the presence of sunlight, this reaction takes place and makes this 4 fundamental products. Still larger number of products are formed in chlorination reaction of higher homologue of alkanes. If we talk about alkanes, तो फिर बस कुछ products नहीं, और भी बहुत ज़्यादा products है जो ये alkanes से बनते आते हैं. Clear? और भी बहुत ज़्यादा है, हमने 4 दिखाए हैं textbook में, और भी बहुत आते हैं. याद क्या करना है आपको, अच्छे से ये जो रिएक्शन जितना पार्ट है वो याद करना है. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. द वन बिलोंग्स टू अल्कोहल ग्रुप एंड द अदर बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. क्लियर? दे आर द फंक्शनल ग्रुप. क्लियर? Ethanol and ethanoic acid are two of the commercially important carbon compounds. So let us learn about it. First of all, at room temperature, colorless ethanol is a liquid and its boiling point is 78 degrees Celsius. Generally, ethanol is also called as alcohol or spirit. Secondly, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. कितने भी प्रोपोर्शंस में आप लोग इसको डाल दो, पानी के साथ ये सॉल्युबल हो जाएगा. व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज टेस्टेड विद लिटमस पेपर, इट इज फाउंड टू बी न्यूट्रल. क्या पाया गया है? ना एसिडिक ना बेसिक, वो न्यूट्रल बन के आया. क्लियर? कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल शोज इट्स इफेक्ट. Even though is condemned, still it has remained socially widespread practice. मतलब आज भी laboratories में भी इसके बहुत ज़्यादा uses है और इसी के reactions take part किए गए हैं. Clear? Consumption of alcohol harms health in a number of ways. It adversely affects the physiological process and the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS के ऊपर भी इफेक्ट करता है. अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये याद रखना आप लोग. कंजम्पशन ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल है, वो प्योर है एकदम, कैन बी लीथल. इथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड इन मेडिसिंस सच एज टिंक्चर आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड इथेनॉल, कफ मिक्सचर. अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सपेरिमेंट था, वहां पर टिंचर आयोडीन के बारे में बात किया था, उसको यूज करने बोला था. कफ मिक्सचर एंड ऑल्सो इन मैनी टॉनिक्स, बहुत सारे टेन, मतलब मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल बहुत है. इथेनॉल, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाने से पहले आप लोगों को जो कॉटन के साथ लगा के देता है वो इथेनॉल ही होता है, स्पिरिट जिसको बोलते हैं. क्लियर? लेट अस स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑक्सीडेशन के बारे में तो हमने सीखा ही था पिछले वाले जो अपना चैप्टर था उसके अंदर, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा था. क्लियर? टू मोर रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल आर एज फॉलोज. द फंक्शनल ग्रुप OH प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल. अगर मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दूं, देखो ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, इसको मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, मुझे सोडियम इथॉक्साइड मिल गया. क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल गया. All the alcohols react with sodium metal to liberate hydrogen gas and form sodium alkoxide salts. क्या बनता है? Sodium alkoxide salt बनता है. In the reaction of ethanol with sodium metals, hydrogen gas and sodium ethoxide are formed as product. तो याद रखो ये जो reaction है किसके साथ, अगर sodium के साथ होगा तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. चलिए आगे जाते हैं. So let us start with dehydration reaction. When ethanol is heated at the temperature 170 degrees Celsius with excess amount of concentrated sulfuric acid H2SO4,
वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथीन. क्या कर लेगा, देखो इथेनॉल जो था, क्या था, इथेनॉल है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, इथीन फॉर्म करेगा. इथीन का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. आगे देखो, एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, बिकॉज इथेनॉल और इथीन पे जब आएगा तो वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा. तो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ, यू कैन सी द डबल बाउंड स्ट्रक्चर हियर, और उसको उसके साथ मिला दिया गया है. हियर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. यहाँ पर कौन काम किया, हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो भी डाइल्यूट नहीं यूज किया है, कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया गया था. ओके आगे देखो, यहाँ पर साइंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है. तो ये जो साइंस एल्कोहल एज ए फ्यूल दिया हुआ है, वॉट यू हैव टू डू इज एल्कोहल और फ्यूल में जो भी चीजें दी गई है उसको आप लोग को पढ़ लेना है अच्छे से. और इथेनॉल एसिड के बारे में भी जो भी लिखा है, जैसे हम लोग ने इथेनॉल इथेनॉल के बारे में पढ़ा, वैसे ही इथेनॉल एसिड एसिड के बारे में कुछ जानकारी दी गई है. आप इस पैराग्राफ को अच्छे से, इस चार्ट को समझ लेना, पढ़ लेना. चलिए आगे जाते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप. उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है. द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड आर मेनली ड्यू टू दिस फंक्शनल ग्रुप. ये जो इथेनॉइक एसिड बना है उसके बीच में जो केमिकल रिएक्शन है वो इसी के वजह से है. अगर रिएक्शन विद बेस करेंगे, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, इथेनॉइक एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. पता है ना, When acid react with base, they give their salt and water. Fundamental salt and water से दिया जाता है. तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन reactions को take part किया गया रहता है. ओके साथ में क्या यूज किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है. क्लियर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर. क्लियर, द IUPAC नेम ऑफ दिस सॉल्ट फॉर्म्ड हियर इज सोडियम इथेनोएट, वाइल इट्स कॉमन नेम इज सोडियम एसीटेट. याद रखो, ये आपको एमसीक्यू में इधर से इधर तक पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को. क्लियर, कि ये जो लिखा हुआ ये पार्ट, उसका कॉमन नेम ये है. ओके इसको ध्यान देना अच्छे से. क्लियर, अब रिएक्शन जो आगे दिए गए हैं, इसके बाद जो रिएक्शन है उसको उन्होंने, जैसे कि मैंने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, वहां पर उन्होंने जो रिएक्शन है उसको सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ किया हुआ है, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर एपरेटस वो सब में दिखाया हुआ है. क्लियर, तो आप लोग एक बार उसको गो थ्रू कर लेना. ध्यान देना, हम लोग मेन यहाँ पर प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना के सीख रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. क्लियर, चलिए आगे देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ ईस्टरफिकेशन रिएक्शन. सब्सटेंसेस हैविंग ईस्टर एज द फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्कोहल. मतलब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो ऑइक एसिड के बारे में बात करते हैं, और साथ में एल्कोहल, अगर उनका साथ में रिएक्शन करवा दूं तो मैं मुझे वहां पर ईस्टरफिकेशन रिएक्शन मिलेगा. चलिए ईस्टर्स के बारे में जान लेते हैं, मेनली ईस्टर है क्या. क्लियर, ये जो दिया हुआ ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है, आगे देखने की ईस्टर है क्या. देखो यहाँ पर ये पार्ट को जरा रुक जाओ, कि इथेनॉइक एसिड जब है, अगर ये इथेनॉइक है, अगर इथेनॉल के साथ, जैसे बोला कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ एसिड और साथ में कैटलिस्ट होगा, क्या बना रहा है, देखो ये बनाएगा ईस्टर. क्या बनेगा, ईस्टर और साथ में वाटर. चलिए ईस्टर के बारे में जान लेते हैं जो लिखा हुआ है. पहली बात, ईस्टर हैव स्वीट ऑर्डर. ईस्टर हैव स्वीट ऑर्डर, उसकी जो स्मेल है बहुत मीठी है. मेजोरिटी ऑफ फ्रूट्स ओ देयर ऑर्डर टू अ पर्टिकुलर ईस्टर प्रेजेंट इन देम. ईस्टर आर यूज फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स. वेन एन ईस्टर इज रिएक्टेड विद द एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक सोडियम सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, आर ऑप्टेंड, ये फॉर्म कर देता है. क्लियर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन एज इट इज यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट्स. ये जो पार्ट है अच्छे से यहां से लेकर के रेफर करो टेक्स्ट बुक तक, यहां तक पूरे टेक्स्ट बुक को रेफर करो, यहां से यहां तक, और साथ में इस रिएक्शन से क्या प्रिपेरेशन होता है वो, और ये जो पार्ट है वो अच्छे से याद करो, क्योंकि आपको अगर बोर्ड्स में सेपोनिफिकेशन का मतलब पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क में पूछा जाएगा. क्लियर, तो याद रखना
सेपोनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर। सेकेंडली हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के साथ। लेट अस स्टार्ट विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स। वी हैव सीन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट द नंबर ऑफ नोन कार्बन कंपाउंड इज एज लार्ज एज अबाउट 10 मिलियन, क्लियर, एंड द रेंज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस इज एज लार्ज एज 10^1 to 10^12। द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इज वेरी लार्ज फॉर द मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास। द जॉइंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दे आर फ्रॉम द टाइप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड पॉलीमर्स। देखो ये जो पार्ट है पॉलीमर, इसको हम लोग इस सबसे नीचे वाले पार्ट में सीखेंगे। यहां पर पॉलीमर्स दिया हुआ है। पहले तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब कि बड़ा कार्बन का मॉलिक्यूल, इतना याद रखो, बड़े कार्बन के मॉलिक्यूल को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लेट अस स्टडी नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल। अब नेचुरल क्या है इसमें और मैनमेड क्या है, क्लियर। द नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल्स नेमली पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर द सपोर्टिंग पिलर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। वी गेट फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम पॉलीसेकेराइड्स नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज। इसके बारे में तो सुना ही है आप लोगों ने। प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूएट अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल्स द हेरिडिटी एट मॉलिकुलर लेवल। रबर इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल। रबर एक टाइप है, याद रखना, ये वाला पार्ट आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। डैश इज एन अनदर टाइप ऑफ नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल, क्लियर। आगे देखते हैं मैनमेड। जो मैनमेड मतलब क्या, जो हम लोगों ने लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया है, ओके। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द लेबोरेटरी एंड फैक्ट्री विथ एन इंटेंशन टू इन्वेंट एन अल्टरनेटिव फॉर रबर एंड सिल्क। आज आपको भी पता है कि रबर एंड सिल्क तो बहुत ज्यादा मिलता ही है, लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। टुडे मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर इन यूज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मैनमेड फाइबर्स विच हैव स्ट्रेंथ अलॉन्ग द लेंथ सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स कॉटन वुल एंड सिल्क। इलास्टोमर्स विच हैव द इलास्टिसिटी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो रबर में होती है वो। प्लास्टिक्स फ्रॉम विच द इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ आर्टिकल जो है, शीट है, पाइप से, कोटिंग से, अलग अलग टाइप की, ये सब क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल से। कार्बन का बड़ा सा जॉइंट मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। और वो भी जो मैनमेड बनाया हम लोगों ने, जो बनाया जैसे रबर बोलो, प्लास्टिक बोलो, शीट बोलो, ये सब क्या है, सब का सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेवरल स्मॉल यूनिट्स इन अ रेगुलर मैनर। मतलब रेगुलर मैनर में अगर उसको हम लोग लेकर के आ जाएंगे तो फिर वो कुछ ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। याद रखो, एज अ रिजल्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर। मतलब क्या है, पॉलीमर्स के टाइप ही फॉर्म करता है, क्लियर। तो चलिए सबसे मेन चीज जो पढ़नी है वो पॉलीमर्स खुद है, देखते हैं। अ मैक्रो मॉलिक्यूल, जब पॉलीमर बता रहा हूं, अ मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट। एक छोटे से यूनिट का बार बार रिपीट होना ही क्या बनाता है आपका एक, मतलब क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल का। यहां क्या, एक छोटा सा पार्ट अगर बार बार रिपीट होते जाएगा तो पॉलीमर बना लेगा। द स्मॉल यूनिट दैट रिपीट्स रेगुलरली टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड एज मोनोमर। वो स्मॉल यूनिट जो रिपीट करता है क्या बनने के लिए, पॉलीमर के लिए, वो छोटा सा यूनिट ही क्या है, मोनोमर है। द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। मतलब जब मोनोमर कन्वर्ट किया जाता है पॉलीमर में, ये जो प्रोसेस इनके बीच में होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। व्हाट डू वी कॉल, वी कॉल इट एज पॉलीमराइजेशन। इसमें से एक सबसे बड़ी चीज है वो पता चलेगा। One important method of polymerization is to make a polymer by joining alkene type monomer. किसके टाइप का, alkene के टाइप का। alkene की स्टडी पहले ही कर चुके। For example, synthesis of polyethylene, जो आगे आप लोगों के images में दिया हुआ है उस images को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। You can see, देखो यहाँ पर polyethylene का एक example दिया हुआ है आप लोगों को। देखो polymerization का process यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्लियर। आगे देखो यहां पर सिंथेसिस ऑफ, ये देखो इसको बस ध्यान रखना अच्छे से। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ पॉलीइथाइलिन। अब देखो पॉलीइथाइलिन में क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर, वो है आपका इथाइलिन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, कहां यूज किया जाता है, कैरी बैग्स और स्पोर्ट्स वेयर्स में यूज किया जाता है। सेकेंडली पॉलीस्ट्रीन की बात करता हूं तो क्या होता है, थर्मोकोल आर्टिकल्स में।
फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, पीवीसी पाइप्स होते हैं, डोर के मैट्स होते हैं, ट्यूब बैग हॉस्पिटल्स में जो भी बनते हैं, हॉस्पिटल किट्स भी बोलते हैं आप लोग उसको, सीरिंग्स भी हो गया तो पीवीसी ही बनता है, ओके पीवीसी से बनता है। सेकेंडली क्या है, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल, ये जो है ये क्या विंटर क्लोथिंग जो हम लोग ठंडी के टाइम पर पहनते हैं, ब्लैंकेट ब्लैंकेट वो इसी से बनता है। टेफ्लॉन के बारे में तो सुना ही रहेगा, नॉन स्टिक कुकवेयर जो भी है, कुकवेयर जो भी बनते हैं वो टेफ्लॉन से बनते हैं। और आपका लास्ट है पॉलीप्रोपाइलीन, जो इंजेक्शन सिरिंग, देखो यहाँ पर इंजेक्शन सीरिंग्स हैं, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो भी किट्स आते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, पीवीसी से सीरिंग्स इससे बनते हैं, किससे, पॉलीप्रोपाइलीन से बनते हैं। क्लियर, ये है आपके अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स और उनका यूजेस क्या क्या है, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, ओके मैं हैशटैग मार रहा हूँ यहाँ पर, इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे देखते हैं, द पॉलीमर्स इन द अबव एग्जाम्पल्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ सिंगल मोनोमर, ये तो देख लिया, इसी को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। द अदर टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर मोनोमर्स, अगर दो से ज्यादा होंगे, ये दो या दो से ज्यादा, उसको बोलते हैं हम लोग कोपॉलीमर, जैसे कि हमारा हो गया पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थेलेट। क्लियर, इसका नाम याद रखना आप लोग। क्लियर, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर आर लीनियर एज इन द अबव एग्जाम्पल्स और दे आर ब्रांच्ड एंड आर क्रॉस लिंक्ड एज वेल, ये भी हो सकते हैं। क्लियर, पॉलीमर एक्वायर वेरियस प्रॉपर्टीज एज पर द नेचर ऑफ द मोनोमर, जो मोनोमर का जिस टाइप है उसके हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है एंड देयर स्ट्रक्चर। द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल पॉलीमर वेर अंडरस्टूड आफ्टर कैरिंग आउट देयर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बारे में हम लोग ने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में देखा गया था। क्लियर, और इसका डिकम्पोजिशन जैसे कि हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं वो सब में बहुत टाइम लगता है। चलिए आगे देख लो कुछ पॉलीमर्स के बारे में और उनका ऑकरेंस कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है वो पॉलीमर का नाम, ये है वो मोनोमर, ये है पॉलीमर का नाम, यह है मोनोमर का नाम, और ये उसका ऑकरेंस कहाँ पर पाया जाता है। तो देख लो सबसे पहले पॉलीसेकेराइड्स मोनोमर है, ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, स्टार्च में। सेकंड है सेलुलोज, कहाँ पाया जाता है, ग्लूकोज में, सॉरी मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है, और कहाँ पाया जाता है, वुड या फिर सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स में। थर्ड है आपका प्रोटीन, मतलब अल्फा एमिनो एसिड में है, मोनोमर उसका है, मसल्स हेयर्स एंजाइम्स स्किन और एग में पाया जाता है ये। नेक्स्ट पॉलीमर है आपका डीएनए, डीएनए है आपका जो कि है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कहाँ उसका मोनोमर है, खुद न्यूक्लियोटाइड, और ऑकरेंस होता है क्रोमोसोम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर, ऑर्गेनिजम्स में जो भी क्रोमोसोम होता है वहाँ पाया जाता है। सेकेंडली आपके पास आरएनए है, वो भी न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, कहाँ मिलता है ऑकरेंस का, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। लास्ट है रबर, जो कि आइसोप्रीन, ये खुद एक बनाया हुआ कंपाउंड है आइसोप्रीन, उसमें होता है लेटेक्स ऑफ रबर टी, सॉरी रबर ट्रीज में आपको पाया जाता है, जो भी आप लोगों ने रबर के झाड़ देखे होंगे वहाँ पर आप लोगों को ये लेटेक्स के फॉर्म में ऐसे गोंद जैसे बन के वहाँ पर मिलता है। क्लियर, और यहाँ पे हम लोग ने इस पूरे के पूरे चैप्टर को कार्बन कंपाउंड्स को कर दिया है ख़त्म। अच्छे से देखोगे आप लोग तो ये वाला जो लेक्चर हुआ है उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें सीखी है कि कैसे रिएक्शंस करता है, किस किस टाइप के रिएक्शंस करता है, कब वो हीट प्रोड्यूस करता है, कब लाइट करता है, कब सनलाइट के प्रेजेंस में पकड़ लेता है, कब इस्टरफिकेशन करता है, इस्टरफिकेशन में भी क्या है, इस्टर क्या है, स्वीट ऑर्डर है, स्मेल कैसे है, कोई भी जो भी मीठी चीज़ आती है उसमें क्या है, इस्टर है, ऐसे पता चलता है। तो जब कभी आपके रिएक्शंस होंगे, मतलब लेबोरेटरीज में आप जाओ या फिर आपको स्कूल के लैब्स में आप लोगों को जब भी रिएक्शंस कराएंगे, तो जब एफरवेंसेस निकलेंगे, जब उसके फ्रेग्रेंसेस आएंगे, ऑर्डर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शंस देख करके। और कार्बन कंपाउंड्स ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, बट बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे भी प्रोसीजर्स एपरेटस एंड वो सब चीज़ें हैं जो रिगार्ड करता है ऊपर के दिए हुए कॉन्सेप्ट को। हम लोग ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यहाँ पर क्लियर किया है। बाकी के जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल व्यू की चीज़ है वो तो विथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को आप लोग समझ लो, पढ़ लो, अगर कराए जाएंगे तो वेल एंड गुड है। क्लियर, बाकी इस चैप्टर में जितना भी मैक्सिमम ऐसा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हम लोगों ने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर हमारा कार्बन कंपाउंड्स ख़त्म हो जाता है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर्स के साथ। क्लियर, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।